और एग्जैक्टली जो सेकंड लेवल है 588 वो हिट हुआ, और दूसरा बताया था इसके ऊपर ब्रेकआउट मिड कैप निफ्टी में 10,650 और 10,707 हिट हुआ। तो इस तरह अब आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसे जरूर क्लिक कीजिए, उसके अलावा नीचे जो डीमैट अकाउंट का लिंक दिया है वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। तो देखिए एक हफ्ते की मेहनत का फल मिल ही गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था सेल ऑन राइज करते नीचे आ ही गया, चलो ठीक है। अब नीचे के 82.97, 82.93, 82.84 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, और बाकी स्टॉक तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपकी मर्जी है। बाकी मेरा काम है आपको जो चार्ट पे ब्रेक हो, ये MGL 3-4 दिन हो गए आपको देते हुए बताते हुए कि ये देखो यहाँ पे पीनट फ्लैग बनाया था उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर फ्लैग बनाया, फिर उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर से फ्लैग बनाया, फिर से ब्रेकआउट दिया, मतलब बार बार फ्लैग बना बना के ब्रेकआउट दे रहा है, और ये काफ़ी स्टडी करने लायक स्टॉक है। अब हम देख आते हैं फिन निफ्टी पे, तो फिन निफ्टी पे आप देखिए, अब देखिए फिन निफ्टी पे सपोर्ट कहाँ कहाँ है। सबसे पहले तो सपोर्टें गिनते हैं, एक तो है 20,000 पे सपोर्ट, 20,000 पे सपोर्ट, अगर यहाँ से सपोर्ट लिया फिर निफ्टी ने तो 20,149, 250, 414, 477, 537, 588 और ऊपर 20,655, ये सारा का सारा एरिया 10 MA, 50 MA, 10 VMA, ये सारा एरिया खतरनाक रेजिस्टेंस बन चुका है वेमो एमओ की वजह से। और ब्रेकडाउन कहाँ पॉसिबल है, जो आज का लो लगा है, अगर आज का लो टूटा तो ब्रेकडाउन, नीचे सपोर्ट जो नेक्स्ट लेवल होगा नेचुरली 20,000 जहाँ सपोर्ट है, और नीचे फिर से 10 MA, 20 MA, यहाँ पर काफ़ी अच्छी सपोर्ट है 19,900 के आसपास पे, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल 20,000, 20,150 रहेंगे। ये तो है नीचे का प्राइस एक्शन, ऊपर की ओर क्या हिसाब किताब बनता है, ऊपर की ओर बड़ा खतरनाक हिसाब किताब बनता है इसमें, हिसाब खतरनाक इसलिए यहाँ एक तो VMA आ गए, आज क्लोजिंग भी उसी के पास दिए हैं, और एक तरह से देखा जाए तो फिन निफ्टी का चार्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, अगर इसको क्रॉस कर जाता किसी भी तरह इस रेजिस्टेंस को मार्केट, तो हम कहते हैं काफ़ी अच्छा चार्ट था। तो अब जब तक ब्रेकआउट नहीं आता इसके ऊपर, मतलब 20,700 के ऊपर ट्रेवल करनी नहीं शुरू कर देती मार्केट, तब तक ब्रेकआउट पॉसिबल नहीं है, फ्रेश ब्रेकआउट। और ऊपर के जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे वो होंगे, नोट कर लीजिए, 740, 800, 845, 940, 125, 233 और 313। 313 पे काफ़ी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, ये देखिए 20 DMA भी है, तो 20 DMA एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकते। तो नीचे की ओर आपको समझा ही दिया सारा का सारा। तो अब हम आते हैं मिड कैप निफ्टी पे, मिड कैप निफ्टी में देखिए, देखिए बार बार एक चीज़ जो नोट की है मैंने कि 10,550 के आसपास मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही, जो 600 में बता रहा था वो नहीं इतनी अच्छी सपोर्ट जितनी 550 है। तो 10 क्योंकि अब ये 10 MA भी 567 पे आ चुका है, तो अच्छी सपोर्ट कौन कौन सी बनती है, एक तो 10,500 और 550, ये एरिया काफ़ी अच्छा सपोर्टिंग जोन है, और ऊपर की इंपॉर्टेंट लेवल 10,609, 640, 660, 713। ध्यान रहे यहाँ दो बार मार्केट क्लोज हो चुकी है, तो इसलिए मैंने यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिख दिया है, क्योंकि अब ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। बार बार देखने में आज भी सारा दिन गिफ्ट निफ्टी यहीं पे धक्के खाती रही, हिली नहीं यहाँ से बिल्कुल भी, मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस है। अब फ्रेश ब्रेकआउट तभी आएगा अगर इस जाल से बाहर निकलेगी मार्केट, तो 10,800 के ऊपर ब्रेकआउट पॉसिबल है, और लेवल रहेंगे 855 और 900। नीचे की ओर फ्री ब्रेकडाउन जो आएगा, फ्री फॉल, वो पॉसिबल है 10,474 के नीचे, और नीचे की ओर जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे 10,324, 300 के। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।